केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, अ डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल हैज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टेबल हमको दिया हुआ है, यानी कि एक्स की वैल्यू और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है के की वैल्यू, मीन एंड वेरियंस। के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमको क्या मिलता है, 1। वो लेके के हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू। उसके बाद के की वैल्यू को हम रख देंगे टेबल में और उसके बाद उसका मीन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका वेरियंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वाला सम। सबसे पहले तो हमको पता है कि किसी भी इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलती है, हमेशा 1 मिलती है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका सम कर देते हैं हम, 0.2 प्लस के प्लस 0.1 प्लस 2k प्लस 0.1 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे हो गया 5k प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। 5k यहाँ पे मिलेगा, 1 माइनस 0.4 तो हो जाएगा 0.6, यानी 5k इज इक्वल टू 0.6। तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6 अपॉन 50, तो हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 25। ये 3 अपॉन 25 की वैल्यू को हम टेबल में रख देते हैं तो नया टेबल हमको क्या मिलेगा। तो नया टेबल ड्रॉ करते हैं हम एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए। नया टेबल है -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। के की वैल्यू को रख देते तो हमको मिलेगा 2/10, 3/25, 1/10, 6/25, 1/10 एंड 6/25। इसके बाद हमको फाइंड करना है मीन। मीन की फॉर्मूला हमको पता है, मीन यानी कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एंड इंटू पी ऑफ एक्स सब का हम करेंगे सम। तो यहाँ पे हमको मिलेगा -2 × 2/10, -1/3/25, प्लस 0 है तो 0 ही आएगा, +1 × 6/25, +2 × 1/10, +3 × 6/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल आंसर यहाँ पे हमका मिलेगा 6/25, मीन हमको मिल गया। उसके बाद हमको फाइंड करना है वेरियंस की वैल्यू। वेरियंस की फॉर्मूला हमको पता है, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमको पता है 6/25, तो उसका डायरेक्टली हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन हमको ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। तो उसके इक्वेशन हमको पता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू टेबल में है उसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी उन सारों का समेशन माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर होता है 4/2 × 2/10, +1 का स्क्वायर होता है 1 × 3/25, +0 तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर है 1/6 × 6/25, +2 का स्क्वायर है 4 × 1/10, +9 × 6/25, माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू थी 6/25, उसका ले लेते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 73/250 -36/625। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 293
अपॉन 625। ये हमारा हो गया वेरियंस की वैल्यू फाइनल आंसर।